दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब आप खुद से अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट, फादर के नाम में करेक्शन या फादर के नाम के जगह हस्बैंड का नाम चढ़ा सकते हैं। इस छोटे से काम के लिए अब आपको आधार सेंटर जाने की कोई जरूरत नहीं। ये काम आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आपको अपडेट आधार वाले कैटेगरी में अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ आपको अपना आधार नंबर भरना है, यहाँ इस कैप्चा को फिल करना है। अब आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिसे यहाँ इंटर करके लॉगिन करना है। यहाँ अपडेट एड्रेस वाया एड्रेस प्रूफ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ एक फॉर्म खुल जाएगा। यदि आपको फादर के नाम में चेंज करना है या हस्बैंड नेम चढ़ाना है, तो यहाँ वो नाम इंग्लिश में टाइप करें, राइट साइड में वो हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर या अपार्टमेंट नेम डालेंगे। यहाँ स्ट्रीट या रोड या लेन नंबर डालेंगे, यहाँ लैंडमार्क डालेंगे, यहाँ पिन कोड, फिर विलेज या सिटी, इसके बाद पोस्ट ऑफिस, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट और फिर प्रीव्यू पर क्लिक करके देखें। यदि कुछ गड़बड़ हो तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं और यदि सही है तो फाइनली आप इसको सबमिट कर दें, क्योंकि यही आपके नए आधार पे अपडेट होने वाला है। इसके बाद दोस्तों, आपको एक वैलिड एड्रेस प्रूफ देना है, जो कि आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसे आप यहां से चूज कर सकते हैं। चलिए यहां हम वोटर कार्ड चूज करते हैं। अब अपलोड पर क्लिक करके वोटर आईडी का स्कैन कॉपी टारगेट करें। लेकिन इसके पहले दोस्तों, अपलोड किए जाने वाले प्रूफ को स्कैन करके रख लेंगे ताकि काम जल्द हो। अब इस फाइल को ओपन करके अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फाइनली सबमिट पर क्लिक करके आप देखेंगे कि आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ सबमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी आधार कार्ड में कोई अपडेट नहीं करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों, आपको एक URL नंबर दिया जाएगा, जो आपके मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। अब आपका रिक्वेस्ट 24 से 48 घंटे के भीतर अपडेट कर दिया जाएगा। बता देना चाहता हूँ कि कभी कभी ये टाइम बढ़ भी सकता है, यानी सप्ताह भर भी लग जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप सब बहुत ही पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी इस तरह के नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो अपलोड होंगे, आपको जल्द से जल्द मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।